अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बहुत ही घटिया इंसान है आप दोनों। आप दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। आपने मुझे मारने की कोशिश की और अब जब मेरी जान बच गई है तो आप लोग मेरी बहन के पीछे पड़ गए ताकि मुझे दर्द हो, मुझे तकलीफ हो। सुनो, बंद करो अपनी बकवास और जाओ, जाकर फिर से अपनी बिल में छुप जाओ, क्योंकि अब मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने का और कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। इस बार आप और आपका प्यारा बेटा नहीं जीतेगा और मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेरी बहन को बहुत तकलीफ दी है ना आप लोगों ने, ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो निहारिका, मगर तुम हमें हरा नहीं पाओगे, नहीं जीत पाओगे। तुम होंगी तुम बहुत होशियार, लेकिन तजुर्बा मुझ में ज्यादा है और जीत तजुर्बे की होती है, होशियारी की नहीं। इसलिए अब जाओ यहां से और पुलिस को अंदर भेजो। तुम्हारी आजादी का बयान देना है मुझे। सिर्फ दीदी को घर से निकालने के लिए मां ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि अनजाने में मैं अपने बहन के पति से शादी कर रही हूं और मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं किसी की साजिश का मोहरा बन रही हूं। इसलिए शायद आज मैं इस मझधार में फंस गई हूं, जहां एक तरफ मेरी बहन है जिससे मेरा खून का रिश्ता, तो दूसरी तरफ मेरे पति जिनसे अनजाने में ही सही लेकिन दिल का रिश्ता बना चुकी हूं। कौन सही है कौन गलत है कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, आप ही मेरी मदद कीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। कमाल है, तुम छोटे शहर की लड़कियां ऐसे छोटी छोटी बातों पे भगवान के पास क्यों आ जाती हो? बता के तो जाओ, किससे डर लगते, भगवान से या फिर अपनी जिंदगी से? हम भगवान से डरते नहीं हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं। त्रिशा, शायद तुम जानती नहीं हो, लेकिन हम छोटे शहर के लोग ये जानते हैं कि हर छोटी बात में बड़े बड़े राज छुपे होते हैं। और भगवान की कृपा से मुझे अपना रास्ता मिल गया। त्रिशा, तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी हॉस्पिटल से आ गई, चल जल्दी।
अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, घर बहुत सुना सुना लग रहा था आपके बगैर। माँ हम सब ने आपको बहुत मिस किया, और आज आपके आने की खुशी में मैंने आपका फेवरेट डिश पोहा बनाया। भाभी महक कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। वीरेन भाई ये सब ये बैग कहाँ जा रही हो तुम? मिस्टर वंशी सॉरी, आज तक मैंने आपको बहुत परेशान किया। दीदी आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपकी बातों का भरोसा नहीं किया। पेन ड्राइव मुझे दे दो वरना जिंदगी भर जेल में सड़ू। लेकिन लेकिन अब मैं और गलतियां नहीं करना चाहती हूँ। सिर्फ मैं मिस्टर अग्निवंशी से अपनी शादी तोड़ती हूँ। आज से सिर्फ आप ही मिसेस अग्निवंशी होंगी, मिस्टर अग्निवंशी की वाइफ आप ही हैं, और मैं आपके सिवा इस घर के सभी लोगों से रिश्ता तोड़ती हूँ। मैक, लेकिन अकेले इस तरह तुम ये रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो? इसमें मैं भी हूँ। क्यों? जब इस रिश्ते को जोड़ने का फैसला आपने अकेले लिया तो इसको तोड़ने का फैसला मैं अकेले क्यों नहीं ले सकती? देखो महक, हम अंदर रूम में चल के आराम से बात करते हैं। तुम अगर किसी बात से नाराज हो या गुस्सा हो हम आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है मिस्टर अग्निवंशी, पर इनमें सच देखने का हुनर नहीं है। ये है कि मुझसे पहले दीदी इस घर की बहू और आपकी पत्नी थी। मैक, हमारे लिए हमारी शादी मायने रखती है, हमारा रिश्ता मायने रखता है और कुछ नहीं। नहीं मिस्टर अग्निवंशी, दीदी आपकी पत्नी है, और अगर आपने कभी भी मेरी फिक्र की थी, आपने कभी भी मुझे कुछ माना था या ये रिश्ता आपके लिए कभी भी कुछ मायने रखता था तो आप मुझे बुलाकर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करिए और एक अच्छा पति बनने की कोशिश करिएगा। दीदी आप भी जैसी पत्नी के हकदार हैं ये वैसी पत्नी बन के दिखाइएगा। महक रुक जा, देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।